जहाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एस बी जी चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बारे में। दोस्तों, अगर आपने 2023-24 सेशन में एडमिशन लिया है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में, किसी भी ईयर में, या तो आपका फर्स्ट हो, या आपका सेकेंड हो, या आपका थर्ड हो, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपको पता होगा कि मार्च 2024 में या यहाँ पर अप्रैल 2024 में हमारे जो परीक्षा फॉर्म, एग्जाम फॉर्म भरना होते हैं वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। यहाँ पर हमारी परीक्षा होती है मार्च अप्रैल 2024 सेशन की, वो परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरना शुरू कर दिए गए हैं। कब से कब तक परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। यहाँ पर एक पीडीएफ है जो कि हमारे सामने अनाउंस किया गया है, उस पीडीएफ के माध्यम से हम समझेंगे कि हमारी फीस कितनी लगेगी, ठीक है, और लास्ट डेट कितनी रहेगी, कब से कब तक परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन को हम देखेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ, जिससे सभी दोस्तों को इसके बारे में पता चल सकेगा। इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप सिंपली इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि अनाउंस किया गया है 13 मार्च को। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रात्रि के समय अनाउंस किया गया था। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की। जी दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कौन से स्टूडेंट की, यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की। तो जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं दोस्तों, रेगुलर के हों, प्राइवेट के हों, ईएक्स हों, एटीकेटी स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट के यहाँ पर परीक्षा फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए गए हैं एनईपी स्टूडेंट की। तो एनईपी के बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएससी होम साइंस, बीए मैनेजमेंट, बीबीए, बीसीए के जो भी स्टूडेंट हैं, मार्च 2023-24 सेशन की जो परीक्षा होनी है, इनके परीक्षा फॉर्म भरने की जो तारीख रखी गई है सामान्य शुल्क यानी कि नॉर्मल फीस के साथ में, 15 मार्च से 1 अप्रैल तक आप भर पाएंगे, ठीक है। अगर आप 1 अप्रैल तक नहीं भर पाते तो ₹300 लेट फीस के साथ में 2 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तारीख की बात हो गई, कब से कब तक भरे जाएंगे सारी बातें कर ली हैं हमने। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फीस के बारे में कि फीस हमारी कितनी लगने वाली है। तो यहाँ पर आप अपनी फीस के जो फीस देख सकते हैं, अगर आप रेगुलर के हैं तो 1,330, प्राइवेट के हैं तो 1,580, ठीक है। एटीकेटी है अगर आपकी एक विषय में या दो विषय में, तो उसके अकॉर्डिंग फीस देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी फीस देख सकते हैं कि आपकी फीस कितनी लगने वाली है। परीक्षा फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो परीक्षा फॉर्म भरने के लिए आपको अपने कॉलेज में जाना होगा, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया उसी कॉलेज से आपका परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। आप ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत लिखा भी गया है कि आपका जो परीक्षा फॉर्म है कॉलेज से भरा जाएगा। दूसरा अपडेट है जो कि हमारा सेकेंड ईयर छात्रों के लिए है, ठीक है। तो सेकेंड ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि तृतीय वर्ष का मतलब होता है सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएससी होम साइंस, बीए मैनेजमेंट, बीबी, बीसी, इन सभी कोर्सेज में अगर आपने एडमिशन लिया है, तारीख वहीं रखी गई है 15 मार्च से 1 अप्रैल, ₹300 लेट फीस के साथ 2 अप्रैल से 5 अप्रैल तक अपना परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे। परीक्षा फॉर्म कैसे भरना है, सेम प्रोसेस रहेगी। यहाँ पर फीस अलग अलग हो सकती है सभी छात्रों की, तो यहाँ पर आप अपनी फीस भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं थर्ड ईयर के स्टूडेंट की। तो थर्ड ईयर के जो भी स्टूडेंट, अगर आपने इन कोर्सेज में एडमिशन लिया है, तो दोस्तों आपके भी यहाँ पर परीक्षा फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए गए हैं। यहाँ पर जो टाइम रखा गया है वही सेम टू सेम टाइम रखा गया है, 15 मार्च से 1 अप्रैल, ₹300 लेट फीस के साथ 2 अप्रैल से 5 अप्रैल तक भर पाएंगे। फीस के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि आपकी फीस कितनी लगने वाली, यहाँ पर आप अपनी फीस भी देख सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस क्या है सबमिट करने की, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलता है अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।